हेलो, आज मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रेस के बारे में, तनाव के बारे में। और वो ये है कि पिछले 1 साल में यदि मैं अभी जो बोल रहा हूं वो घटनाएं आपके जीवन में होती है तो आपको पक्का ये ख्याल रखना चाहिए कि भाई आप स्ट्रेस के, तनाव के शिकार ना हो जाए। ये जो साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कुछ ऐसे एक लिस्ट बनाई कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं होती है या हो गई होंगी कि जो यदि घटना हुई तो आपको उतने मार्क देने का है, वो उतने उतने मार्क, घटना हो गई तो उतने मार्क आपको मिलेंगे और फिर उसकी टोटल मारेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वह पिछले 1 साल में आपका डाइवर्स हुआ है क्या, तो उसको 100 मार्क है। यदि डाइवर्स हुआ है ये पिछले 1 साल में तो उसको 100 मार्क है। आपका पति का या पत्नी का मृत्यु हुआ है क्या पिछले 1 साल में, तो उसको 93 मार्क है, 93। यदि आप पति पत्नी सेपरेट हुए, अलग अलग हो चुके हैं पिछले 1 साल में, तो उसको 75, 75 मार्क है। फिर आपके घर में कोई किडनैपिंग हुआ है, मतलब बच्चों को किडनैप करके अपहरण किया गया उसका, तो उसको 75 मार्क। फिर आपके घर से कोई भाग गया होगा खुद होके, तो उसमें 75 है। फिर आपके घर में किसी को यदि जेल भेज गया होगा तो उसको 63 मार्क्स है। फिर यदि आपके घर के लोगों में से कोई यदि मृत्यु किसका हो जाता है तो उसको 63। फिर आपके जो सास ससुर है या ससुराल के लोग है उसमें से कोई तकलीफ हो रही है तो आपको 60 मार्क है। फिर आपको यदि कोई बीमारी पिछले 1 साल में हुई है तो उसको 53 मार्क है। खुद की शादी यदि हुई या बच्चों की आपके शादी हुई है तो उसको 50 मार्क। फिर आपको काम पे से निकाला गया तो उसको 47 मार्क्स। मैरिटल रिकंसिलिएशन यानी आप अलग थे और अभी आप फिर से एक साथ रहना आपने चालू किया तो 45 मार्क्स है। फिर रिटायरमेंट, आपने यदि रिटायरमेंट ले लिया तो आपको 45 मार्क्स है, पेंशन लिया आपने तो। फिर आपके शरीर में मतलब शारीरिक कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया शरीर में है ना, तो 40 मार्क्स है, मामूली कोई बीमारी होती है तो। फिर प्रेगनेंसी यदि होती है, गर्भधारणा होती है लेडी में, तो 38 मार्क्स है। यदि आपको कोई सेक्स प्रॉब्लम है तो 38 मार्क्स है। आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो आपको 38 मार्क्स है। फिर बिजनेस में, धंधे में आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी होंगी तो उसमें 38 मार्क्स है। फिर आपने यदि काम का स्वरूप बदल दिया तो 38 मार्क्स है। आपका नजदीकी दोस्त, निजी दोस्त गुजर गया तो 37 मार्क्स है। आपने यदि शहर रहने का, शहर सिटी आपने बदल दिया तो 36 मार्क्स है। फिर आपके पति पत्नी के साथ में यदि बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं है ना, तो 35 मार्क्स है। यदि आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है तो 31 मार्क्स। फिर यदि आपने कर्जा चुका दिया है, बड़ा कर्जा था वो चुका दिया है, तो 30 मार्क्स है। फिर आपके घर में या बाहर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ पड़ी है नहीं वाली, तो 28 मार्क्स है। आपके बच्चों ने कोई कारण से घर छोड़ दिया, मतलब शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए है ना, तो फिर उसको 28 मार्क्स है। फिर यदि आपने कोई आउटस्टैंडिंग अच्छा, बहुत अच्छा काम किया, कोई पुरस्कार यदि मिला या कोई आपने अच्छा काम किया तो उसको 28 मार्क्स है। फिर आपके पति ने या पत्नी ने नया एजुकेशन लेना चालू किया या उसका उसके लिए कुछ घर छोड़ दिया हायर एजुकेशन के लिए, तो 26 मार्क्स है। यदि आपने स्कूल बंद कर दिया, चालू स्कूल बंद कर दिया या नए स्कूल में गए, तो 25 मार्क्स है। फिर घर की कंडीशन जो है, घर का वातावरण यदि वो बदल गया तो उसमें 24 मार्क्स है। फिर पर्सनल हैबिट्स, आपकी आदतें जो है उसमें आपने बदल किया तो 24 है। फिर ट्रबल विथ बॉस और कलीग, आपके बॉस के साथ में या आपके सहकारी जो है उनके साथ में कोई आपकी तकलीफ हो तो 23 मार्क्स है। फिर आपके घर की अवस्था जो है उसमें आपने कुछ बदल कर दिया, लिविंग कंडीशंस, तो 20 मार्क्स है। आपने घर बदल ही दिया, घर ही अलग जगह तुम रहने गए, तो 20 मार्क्स है। आपने स्कूल या कॉलेज बदल दिया तो उसमें 20 मार्क्स है। आपने मनोरंजन का जो है, आपका हरदम का जो है उसमें चेंज कर दिया, मनोरंजन का माध्यम, तो उसमें 18 मार्क है। फिर आपने सोशल इवेंट जो है, सामाजिक जो काम होते रहते हैं तो उसमें आपने कोई बदल कर दिया तो 18 मार्क है। आपके ऊपर यदि छोटा सा कर्जा है तो 17 मार्क है। आपने यदि सोने की
आदत जो है आपकी सोने की आदत उसमें बदल कर दिया तो उसमें 16 मार्क है। फिर आपके फैमिली में गेट टूगेदर जो होता था उसमें यदि बदल हो गया उसमें 15 मार्क है। आपकी खाने की आदतें बदल गई तो उसमें 15 मार्क है। आपने यदि पिछले एक साल में छुट्टियां ली हुई, छुट्टी ली आपने है ना, 7 से 14 दिन की छुट्टी ली है समझो आपने, तो उसमें आपको 13 मार्क है। फिर आपके यहां आपने बड़ा त्योहार मना लिया तो उसके लिए 12 मार्क है। और आपने यदि कोई गुनाह कर दिया छोटा सा है ना, उसके लिए आपको कोई दंड हो गया होगा तो उसके लिए 11 मार्क है। तो ऐसे अलग अलग मार्क्स है, उसके टोटल मारना है। यदि वो टोटल जो है वो 150 के नीचे है तो इसका मतलब आपका लाइफ बहुत ही बोरडम है, मतलब बहुत बोर है आपकी, इसमें कोई उतार चढ़ाव हो नहीं रहे, कोई मार्क ही नहीं आपको मिल रहे, तो वो भी मतलब तनाव नहीं रहना या कोई मतलब मजा नहीं आना, वो भी एक तनाव है, मतलब बोरडम है लाइफ में। यदि वो 151 से 250 तक है आपका स्कोर तो एक आइडियल स्तर है, मतलब वो होना अच्छा है और वो एक आइडियल रेशो है या आइडियल गुण है, स्तर है। 251 से 300 तक यदि आपको मार्क मिलते हैं तो वो सिक्योर्ड है, मतलब अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, है ना, ठीक है। 301 से 450 यदि आपको मार्क्स उसमें मिलते हैं, इसका मतलब आपको धोखा हो सकता है, तनाव के परिस्थिति में आप जा सकते हो और आप तनाव के परिस्थिति में कभी भी उसमें मतलब उसको बलि हो सकते हो। 451 से यदि आपको ज्यादा मार्क मिलते हैं, 451 एंड अबव, इसका मतलब ये आपके हेल्थ के लिए धोखादायक है और तुरंत आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। तनाव नियंत्रण नीति का अवलंब करना जरूरी है, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, स्वसम्मोहन, हिप्नोटिज्म, ये करना भी जरूरी है क्योंकि आपको कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया, आप खुद का असेसमेंट आप खुद करो और यदि आप वो देखते हैं खुद का असेसमेंट करके तो आपको समझ में आएगा कि भाई आप कौन से लेवल पे है। सो थैंक यू वेरी मच।